जय हिंद दोस्तों। कुत्ता 1 मिनट में 27 से 28 बार सांस लेता है, वह 10 से 20 साल तक जीता है। वहीं एक इंसान 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है और 80 से 90 साल तक जीता है। लेकिन वहीं कछुए की बात करें तो वह 1 मिनट में सिर्फ 6 से 7 बार सांस लेता है और वह 200 से 300 सालों तक जीता है। इससे स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम है वह उतनी ही लंबी उम्र तक जीता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों को लेने की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों के लंबे और धीमा होने की गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं वायु हमारे प्रत्यक्ष रूप से 3-4 जगह पर महसूस होती है। कण, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके पुनः भिन्न रूप यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर आ जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चल पाता। यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रभाव के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमी गंदगी विसर्जित होने लगती है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की क्षमता पुनः जीवित हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास वापस लौट आता है। आजकल ज्यादातर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई रहती हैं। लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता कि उनकी सांसें किस प्रकार चल रही हैं। जब क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है। वहीं पर काम वासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारे सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खानपान और रहन सहन से भी ये बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और हमारी शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने पर टिका हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज प्राचीन योगी कहानी के माध्यम से हम सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में शिष्यों को योग ध्यान और प्राणायाम की शिक्षाएं दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफाओं में साधना करते हुए बिताए थे, जहां पर उन्होंने मानवीय आयामों को बहुत ही गहराई से समझा था। अब वे इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात गुरु का सबसे होनहार शिष्य उनके पास आता है। शिष्य के चेहरे को देखकर वो समझ गए कि उसके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचकर शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो जो पूछना है। शिष्य ने कहा, आप अक्सर कहते हैं योग ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती हैं और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके अलौकिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। ये सुनकर गुरु ने एक हल्की मुस्कान दी, फिर कहना शुरू किया। गुरु कहते हैं, जैसा हमारा मन होता है
हमारी सांसों की गति भी वैसी हो जाती है। जैसी हमारी सांसें होंगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी, यानी सब कुछ हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी, और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। जीवन में घटने वाली हर घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। इसका मतलब हमारी सांसों पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर तुम किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उनके चेहरे पर गजब का ठहराव दिखेगा। सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता, बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल करता है, और सांसों पर नियंत्रण करते ही वो अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में होता है उसके पास उसकी सारी समस्याओं का हल होता है। गुरु ने शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने कुछ योगियों के बारे में सुना होगा कि वह 150, 200 या फिर 300 सालों तक जीवन जीते थे, तो वो आखिर इतना लंबा जीवन कैसे जी पाते थे? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता था, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में लेना और छोड़ना है इसे एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और वह इस काम में बहुत हद तक महारत हासिल कर लेता है। इसलिए वे इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और अपने आप को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो, तेज बुद्धि चाहते हो, तो तुम्हें अपने सांसों को समझना पड़ेगा, उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा, और उन्हें नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ हमारे मन और भावनाओं की उपज है, और भावनाओं को सिर्फ एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वह है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदला लेने की भावना, ये सभी हमारी सांसों के लेने के हिसाब से ही चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा नियंत्रण हो तो ये सभी विकार हमारे नियंत्रण में होते हैं। सांसें हमारे शरीर और हमारे मन के बीच एक पुल का काम करते हैं। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है और उसके विकारों को समझकर उनको दूर करना है, तो हमें अपने सांसों के पुल पर चलना होगा, और हमें सांसों के जरिए अपने मन तक पहुंचना होगा, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। अगर तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा हो तो अनुभव किया होगा, जब बच्चा सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तब पेट पिचक जाता है, यानी बच्चा अपने पेट के नीचे नाभि से सांस लेता है, जो कि सांस लेने का प्राकृतिक और सबसे अच्छा तरीका है। अपनी गहरी और लंबी सांस की वजह से बच्चे का मन उत्साहित और हल्का रहता है, और उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से काम करता है। तुमने देखा होगा बच्चा किसी बात को अपने मन में ज्यादा समय तक नहीं रखता, नहीं वो किसी से लंबे समय तक गुस्सा रहता है। अगर उसे किसी गलती पर डांट या मार दिया जाए तो वो कुछ समय बाद उसे भी भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाता है। बच्चा इतना सरल इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए होता है, विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए लंबी सांसें चाहिए, इसलिए प्रकृति ने उसे लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर मनुष्य को दी हैं, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वह पेट की बजाय अपने सीने से सांस लेता है। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतना ही चिंता से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी
और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने आगे कहा कि एक आदमी एक मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति शारीरिक कंपन से है। अगर हमारी एक मिनट में लेने वाले सांसों की संख्या 10 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाजें हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। तुमने सुना होगा कि शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कुछ योगियों के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाजों उनकी भावनाओं और कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर एक मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसें एक मिनट में 6 से कम हो जाए तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है और ऐसी स्थिति पर पहुंचकर ही बहुत से योगी और ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अगर हम अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस न लें तो हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाता है। मित्रों, योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसी बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण इंसान के जीवन से परे है। यौगिक परंपरा में तो ये भी कहा जाता है कि अपने सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी अनेक मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती हैं या जिनका कोई इलाज नहीं है उन्हें केवल अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण कर ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण कर व्यक्ति एक ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसे परेशान नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को ये सब बातें कहानी लग सकती हैं क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और जिस चीज पर उन्हें यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन पुरानी यौगिक परंपराओं का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं स्वामी रामा। स्वामी रामा हिमालय की गुफाओं में रहा करते थे। उन्होंने बचपन से ही योग प्रणालियों का अभ्यास शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। जब उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण करके अपने दिमाग और मन पर जब चाहे जितने समय के लिए अपनी सांस ब्रेन हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाला रक्त रोक दिया तब लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी रामा के शरीर पर रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। ये देखकर वहाँ रिसर्चर्स की टीम दंग रह गई थी। साथ ही स्वामी रामा अपने शरीर में ट्यूमर को बढ़ा और घटा भी सकते थे। रिसर्चर्स को हिमालयन योगियों के सभी दावे अंधविश्वास और पाखंड से भरे लगते थे। वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे, एक भीतरी विज्ञान जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यान पूर्वक लेना ये एक प्राचीन टेक्निक है। एक योगी जब अपनी सांसों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है वो जब चाहे अपनी सांसों को रोक सकता है। स्वामी रामा के अनुसार अगर आप अपनी सांसों को समझ लेंगे तो आपके शरीर में होने वाली वो बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है सांसों के माध्यम से उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। श्वास के गूढ़ रहस्यों को समझाने के लिए बाद में स्वामी रामा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है साइंस ऑफ ब्रीथ। गुरु ने आगे कहा, जब सांस विचलित होती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांसें शांत होती हैं तो मन स्थिर हो जाता है और योगी दीर्घायु हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी सांसों
और स्वास्थ्य पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम जितनी लंबी सांस अंदर लेते हो उतनी ही लंबी सांस बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और जो सांस बाहर निकालते समय उसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ एक अंगुल मतलब एक उंगली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करते समय जितने सांस अंदर जाती है उससे कई गुना लंबी सांस बाहर निकल जाती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय यह 22 से 24 अंगुल हो जाती है। दौड़ते समय बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 45 से 50 अंगुल तक पहुंच जाती है। सोते समय 60 से 70 अंगुल तक। इसलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण की बात कही गई है क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को छीन कर देती हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति कहा जाता है। जब एक 200 वर्षीय वृद्ध से उसकी लंबी आयु पर रहस्य पूछा गया तो उसने दो ही चीजें बताई, पहला नाभि तक भरकर पूरी सांस लें, दूसरा रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। असल में शरीर के अंदर जाने वाली प्राणवायु कम और शरीर से बाहर निकलने वाली वायु ज्यादा होती है। अगर किसी तरह बाहर निकलने वाली प्राणवायु को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वर शास्त्र के अनुसार यदि बाहर निकलने वाली प्राणवायु की लंबाई एक अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी उसके अंदर काम वासना कम हो जाती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है, 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है, 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, 5 अंगुल कम होने से मनुष्य को दूर दृष्टि प्राप्त होती है, 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक के अंदर तीव्र गति से चलने की शक्ति आ जाती है जिससे मनुष्य कुछ ही पलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, पर जरूरत है उन्हें जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांसों की संख्या 12 अंगुल कम होने से योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वो चाहे जब तक खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियाँ तभी जागृत होंगी जब मन में उन्हें जागृत करने की अभिलाषा होगी, क्योंकि मन का स्थूल रूप सांस है। इसलिए सबसे पहले सांसों पर नियंत्रण करना होता है, तभी मनुष्य को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए नाड़ी विज्ञान में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति रात में ईड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में सफल होता है वही असल में सच्चा योगी होता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।